गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, मल्टीपल चेन फैक्टर, और मल्टीपल एंड फैक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, और एक्सरसाइज 5.1 के 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 6 नंबर। इसका फर्स्ट दे रहेगा राइट द 4 लार्जर 2 डिजिट मिनर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल होना चाहिए कितने, कौन से नंबर से, 5 से, और 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए और लार्ज नंबर होने चाहिए। तो 2 डिजिट के नंबर तो ये भी है, 10 है, 15 है, 20 है, ये भी 2 डिजिट के नंबर है, और ये 55 से मल्टीपल भी है। परंतु ये नंबर अपन को नहीं लेने हैं, नहीं चूज करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? कि इसमें अपन को लार्ज नंबर दे रहेगा, लार्ज नंबर दे रहेगा तो 2 डिजिट के 100 है, 100 कितने डिजिट के हो जाते हैं, 3 डिजिट के, तो ठीक ये भी 100 भी कट हो जाएगा क्योंकि अपन को 3 डिजिट के नहीं चाहिए। तो लार्ज कौन से हो जाएंगे, जस्ट 100 से प्लस 95, फिर 90, 85 और कौन से हो जाएंगे 80, ये आपके हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दे देगा इसका, राइट द मल्टीपल ऑफ 13, राइट द मल्टीपल ऑफ 13 दैट आर बिटवीन 100 एंड 150। इस सेकेंड में क्या नंबर दे रखे हैं कि आपको राइट द मल्टीपल ऑफ 13, जो 13 के नंबर से क्या होना चाहिए मल्टीपल, और क्या कंडीशन दे रहे कि बिटवीन 100 to 150। 150 के तो 100 to 150 के बिटवीन में होना चाहिए, और किससे मल्टीपल होना चाहिए, 13 से मल्टीपल होना चाहिए। तो 13 की टेबल्स में देखो 100 से अबो कौन से नंबर हो जाते हैं, 13 की टेबल में 13 8 जा 104, फिर 39 जा होते हैं कितना होते हैं 117, 13 10 जा, ओके 100 से अबो होने चाहिए और 150 से लेस नंबर होने चाहिए। अब और कौन से नंबर आ जाए इसके अंदर 13 8 करते हैं 143, ये 4 नंबर हो जाएंगे। ओके नोट कीजिए, बॉक्स में बनाना चाहते हो तो बॉक्स बना के भी नोट कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में बॉक्स बना रखा है ना। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 7 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। सेवन नंबर के सर टिक रूल नंबर विच आर कॉमन, विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 से क्या होना चाहिए मल्टीपल, एंड 4 6 12 15 18 24 30। ओके अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टेक दोज नंबर विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 6 12, इसमें से कॉमन नंबर कौन से जो मल्टीपल में आ जाते हैं, कौन कौन से नंबर दे रहेगा, 4 6
12, 15, नेक्स्ट है 18, 20, सॉरी 24 और 30, इनमें से चूज करने आपको कौन से नंबर जो कॉमन आ रहे हैं वो आपको चूज करने। ओके देखो इनमें से कॉमन नंबर कौन से आ रहे हैं, 6 की टेबल में आ रहे हैं, 12 टेबल में 6 की टेबल में 12 आ रहे हैं, फिर 12 की टेबल में या 6 की टेबल में 18 आ रहे हैं, पर 12 की टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो कौन से हो जाएंगे कॉमन आ रहे हो। आंसर नोट करना आपको इसका, 6, 12, 18, 24 इन्हीं में से और कॉमन आ रहे कौन से, 12 और 24। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नंबर क्वेश्चन, एट नंबर क्वेश्चन है आपके, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विद लाइन बिटवीन 10 एंड 30। 7 से मल्टीपल होना चाहिए और 10 और 13 के बिटवीन में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द मल्टीपल ऑफ 7 विथ लाइन बिटवीन 10 एंड 30। ओके सॉल्व करते हैं, कौन से नंबर हो जाएंगे 7 से मल्टीपल और 10 और 13 के बीच में। देखो 7 की टेबल 7, 14, 21, 28, 35। ओके अब इसमें अपन को ये 7 से मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 7। ओके अब अपन को इनको कौन सा लेना है, बिटवीन 10 एंड 13। ओके 10 एंड 13 के बिटवीन में कौन सा हो जाएंगे, 14, 21, 28। नोट कीजिए ये आपके आंसर है, मल्टीपल ऑफ 7 एंड बिटवीन 10 एंड 13। नोट कीजिए ये आंसर आपके 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर ग्रेटेस्ट देन 25। 9 नंबर क्वेश्चन है राइट थ्री मल्टीपल्स ऑफ विच 4 से मल्टीपल होने से 3 नंबर्स एंड विच आर ग्रेटेस्ट देन 25 से क्या होने से ग्रेटर देन होने से। ओके सॉल्व करते हैं, नाइन नंबर क्वेश्चन, राइट 3 मल्टीपल
ऑफ फॉर विथ आर गेटर देन 25 से क्या होने चाहिए, गेटर नंबर होने चाहिए, ओके। और मल्टीपल किससे होने चाहिए, फोर से। नोट करते हैं, सो फोर से मल्टीपल कौन से थे, 4, 8, 12 और कौन से देंगे, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ओके और 40। फोर की टेबल नोट कर दी है मैंने, ये क्या हो रहे हैं मल्टीपल ऑफ फोर, ये किससे हो रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ फोर नंबर से, ओके। अब अपन को इसमें कौन से नंबर चाहिए, बिटवीन या ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव, कितने नंबर चाहिए, 3, कौन से हो जाएंगे, 3 25 से 28, 20, 32 and 36। नोट कीजिए आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट कीजिए। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, रीडिंग करते हैं, फाइंड आउट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स LCM ऑफ 2 and 5 का अपन को क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द लेस्ट कॉमन मल्टीपल्स LCM ऑफ 2 and 5, ओके। 2 and 5 का क्या करना है, LCM फाइंड करना है, तो LCM फाइंड करना है 2 and 5 का। सो ओके, अब 2 के फैक्टर कर रहे हैं, 2 की टेबल नोट करनी है, यहाँ पे किससे 2 की टेबल नोट करनी है, जो 2 की टेबल में नंबर आएंगे और 5 की टेबल में नंबर आएंगे, जो लेटेस्ट नंबर है कॉमन आ जाएंगे, वही उससे क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ओके। सॉल्व करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2, कौन कौन से नंबर आ जाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 2 में, 2 हो जाएगा, 4, 6, 8, नेक्स्ट 10, 12, 14,
कंटिन्यू करते रहिए, नेक्स्ट मल्टीपल मल्टीपल्स और फाइव, फाइव के मल्टीपल्स में कौन से नंबर इक्वल आ जाएंगे, फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी। अब इधर देखो कौन से नंबर अपन को फाइंड करना था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एल सी एम, तो कौन से आगे कॉमन मल्टीपल्स टेन और यहाँ पे भी टेन, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा टेन। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर टेन, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर इलेवन, सेम क्वेश्चन है, एलसीएम फाइंड करना है अब किसके, एट और ट्वेल्व के, सॉल्व करते हैं। कौन से नंबर दे रहे कि आपको एट किसके फाइंड करने हैं, एट एंड ट्वेल्थ नंबर है, इसके क्या फाइंड करने हैं अपन को, एलसीएम करते हैं सॉल्व। मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर कौन सा, एट, मल्टीपल्स ऑफ एट, कौन कौन से एट के टेबल नोट करो, किसमें आते हैं एट, एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर एट, थर्टी फोर के बाद में थर्टी टू फिर 40, 48, डॉट डॉट कंटिन्यू हो गए। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्या दे रहेगा, मल्टीपल्स ऑफ कौन सा नंबर है 12, 12 की टेबल नोट करनी है, 12, 24, 36, 48। अब कॉमन नंबर लेने और वो भी कैसे, लोवेस्ट कॉमन नंबर लेने, कौन से आ जाएंगे लोवेस्ट कॉमन नंबर 24, शेड्यूल बना दिया मैंने 24 पे, तो यह क्या हो जाएगा द लेटेस्ट मल्टीपल लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन मल्टीपल ऑफ कितना आगे 24, नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का 12 नंबर, लास्ट क्वेश्चन इसमें आपको कितने नंबर दे रखे थे, दो टू नंबर दे रखे थे और इससे पहले वाले में भी टू, अब इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें थ्री नंबर दे रखे, कितने नंबर दे रखे हैं, थ्री नंबर दे रखे हैं, इतना ही डिफरेंट है, तो थ्री नंबर के अपन को क्या करना है,
एल से फाइंड करना, थ्री नंबर कौन से, 6, 9 और 15, ओके 6, 9, 15, 6, 9 and 15, इनका एल से फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा सॉल्व, मल्टीपल ऑफ 6 इक्वल में कौन से, 6 के टेबल 6 12 18 और कौन से आ जाएंगे, 18 24, नेक्स्ट 24 के बाद में 30 36 42 48 54 60 66, नेक्स्ट 72, नेक्स्ट 78, नेक्स्ट 84 90 96 102, ओके बहुत है। अब नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 कौन से हो जाएंगे, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99, ओके मल्टीपल ऑफ 15 कौन से हो जाएगा, 15 30 45 60 75 90, ओके नेक्स्ट 105 120, बहुत है। अब इसमें से कॉमन मल्टीपल लेना है, वो भी कैसा, लार्जेस्ट नहीं लेना है, लोवेस्ट लेना है, कैसा लेना है, लोवेस्ट कौन सा हो जाएगा, 6 इसमें आता है इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 12 इसमें आता है इसमें नहीं आ रहा, इसमें 18 6 और 10, 9 की टेबल में आता है, 15 की नहीं, 24 नहीं आता है, 30 भी नहीं, 36 42 48 54 इस 9 की टेबल में आता है पर इसमें नहीं, 60 इसमें आता है इसमें नहीं आता 9 की टेबल में, 66 भी नहीं, 72 भी नहीं, 78 84 90 90, तीनों की टेबल में कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा आंसर आपके, 30 कॉमन मल्टीपल ऑफ या एलसीएम ऑफ कितना आ गए, 90। नोट कीजिए आपके इसी क्वेश्चन के साथ आपके एक्सरसाइज फिनिश 5.1 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ओके। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ओके।